हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज हमारे पास ये सुप्रीम मॉडल की एक हैवी वेट प्रेस आई है। तो ये ना तो गर्म हो रही है, ना इसमें इंडिकेटर जल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये बोर्ड में हमने लगा के चेक कर रहे हैं, तो देखिए ना तो इसमें इंडिकेटर जल रहा है और ना ही ये गर्म हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं इसको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने नॉब ऊपर की, इसकी जो थर्मोस्टेट नॉब है वो खोल ली है। उसके नीचे ये दो स्क्रू होते हैं, तो इनको खोलना पड़ेगा। और उसके बैक साइड के जो कनेक्शन हैं, जो प्रेस के अंदर पीछे की तरफ ये जो कनेक्शन दिखाई जो आपको दे रहे हैं, तो इनको भी हमने खोलना पड़ेगा, तभी ये ऊपर का कवर ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने खोल लिए हैं और अब ये हम ऊपर का कवर हटा देंगे, तो अंदर से कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है, जो थर्मोस्टेट के अंदर इसके पॉइंटों पर बहुत ज़्यादा कार्बन आ चुका है, तो वही हमने साफ़ करना है और फिर ये प्रेस काम करने लग जाएगी। तो चलिए, ये ऊपर की एक ये छोटा सा ये स्क्रू आपने देखा होगा, तो इसको आपने खोल लेना है और इसके ऊपर से ये जो चीनी मिट्टी का जो वाशर है इसको भी निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये दो पेच हैं, इसको भी हमने खोल लेने हैं, तभी हमारा ये थर्मोस्टेट निकलेगा। तो दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें, जो जो स्क्रू जहाँ से खोलते रहें वो बहुत ही ध्यान से सावधानी से देख कर खोले, ताकि बाद में हमें फिटिंग करने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये हमने खोल लिया है, तो देखिए ये थर्मोस्टेट हमने इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इसमें ये देखो, इसके पॉइंट बिल्कुल ब्लैक हो रखे हैं और इसमें जो कार्बन है एकदम से बहुत एकदम से भरा हुआ है। तो इसको हम साफ़ करेंगे और साफ़ करके इसको दोबारा से लगा देंगे, तो दोस्तों हमारा ये काम करने लग जाएगा। तो इसको सैंड पेपर की मदद से और इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ करेंगे, ताकि इसके पॉइंट अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो अब ये हमने देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से हम इसको साफ़ कर रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे, तो देखिए जैसे हमने इसको खोला था उसी तरीके से हमने इसको फिटिंग करना है। और ये जो चीनी मिट्टी का वाशर है ये भी रख देना है इसके ऊपर। और इसका जो स्क्रू ये हमने खोला था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रू है दोस्तों, इसी से हमारा थर्मोस्टेट काम करता है अच्छे से, मतलब कि जो एडजस्टमेंट है वो इसी स्क्रू से ही होती है। तो जितनी हमने ज़्यादा गर्म करनी है प्रेस या कम गर्म करनी है, ऑटो कट कहाँ पर होना है, तो इसकी जो ये नोब है आगे की, इसको पहले ऑफ पोजीशन में रखने के बाद में इसको स्क्रू को इतना टाइट करना है जो कि बाल बराबर इसके अंदर गैप रहे। तो दोस्तों, ये हमने थर्मोस्टेट बिल्कुल एकदम से फिटिंग कर लिया है। और तो चलिए एक बारी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, अब ये सीरीज बोर्ड से हम इसको चेक कर रहे हैं, तो अब इसमें कंटिन्यूटी आ गई है। और अब हम इसको थर्मोस्टेट की नॉब को देखो ऑन करेंगे, तो ये लाइट हमारी जल गई है। देखो दोस्तों, सीरीज में ये बिल्कुल अच्छे से अब काम करने लग गया है। तो अब हम इस प्रेस को फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको खोला था, इसका कवर वगैरह सारे कनेक्शन वगैरह हमने अच्छे से फिटिंग कर दिए हैं दोस्तों। और देखिए अब ये काम करने लग गई है दोस्तों। देखा दोस्तों आपने, ये प्रेस हमने एकदम से फ्री में, ना कोई सामान लगाया है ना कुछ, और फ्री में इसको चालू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।